देखो माता दोस्तों, ये जो अपनी बात हुई थी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो अभी आई है, जो हमारे समझ में आई है जी सर, तो जो कोई भी दुनिया में कोई भी फर्मेंटेशन की दो प्रोसेस है जी सर, एक खुला फर्मेंटेशन जिसको बोलते हैं एरोमेटिक, और एक बंद फर्मेंटेशन जहां हवा और सूर्य की गैर हाजिरी हो। दो प्रकार के फर्मेंटेशन होते हैं किसी भी चीज़ का हो। तो अब जो गोबर है वो खेत में जाके क्या करता है, वो खुद फर्मेंटेशन हो जाता है, फर्मेंटाइड हो जाता है, और उससे जो निकलता है उसका जो बचता है वो बैक्टीरिया का खुराक बन जाता है, और खुद के अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं। तो वो एक प्रोसेस है। अब जैसे एनारोबिक और एरोमेटिक, एनारोबिक है वो सूर्य की हाजिरी में, प्रकाश की साक्षी में और हवा की साक्षी में काम करता है। जैसे हम ये पहले करते थे जीवामृत जी, ये जीवामृत है, ये एरोमेटिक प्रोसेस है जी। ये आप देख रहे हैं पांच कुंडी लगी हुई है जी, और इसमें मैं जीवामृत बनाता था और यहाँ छानता था, और इस वैक्यूम के माध्यम से जी, इस वैक्यूम के माध्यम से चढ़ाता था। ये इसमें लग जाती है जी, और ये पीछे लग जाता है जी, नीचे सर, जी सर, और उसके बाद इसको चढ़ाता था। तो ये फिल्टर होता है, ये फिल्टर में अंदर ऐसा फिल्टर आता है, आप देख सकते हैं जी सर, ये फिल्टर है। पहले ये कपड़े से हम जीवामृत को छानते थे, उसके बाद इससे खींचता था जीवामृत, तो इसमें भी छना जाता था। इसके बाद इसमें ये डिश फिल्टर है ड्रिप इरिगेशन का, इसके बाद इसमें छना जाता था। तो ये सब प्रोसेस में मेरे कपड़े इतने गंदे हो जाते थे कि मेरे शरीर से 15-15 दिन तक खुशबू नहीं जाती थी। शादी ब्याह में जाओ तो भी लोग मेरे पास खड़े नहीं रहते, गोबर और गौमूत्र की खुशबू आती थी। दूसरी बात, ये एक लेबर का काम लगता था जी सर। तीसरी बात, ये सफाई, पुराना माल हटाना नया डालना, ये बड़े झमेला का काम है। वो प्रैक्टिकल जो किसान करते हैं ना, उसको पता है ये कितना डिफिकल्ट है। अब वो उसका प्रोसेस भी लेट है, जैसे एरोमेटिक है हवा और सूर्य की हाजिरी में काम करता है, तो लेट प्रोसेस धीरा काम करता है। अब उसके सामने ये टेक्नोलॉजी आई है, इसके अंदर एनारोबिक प्रोसेस होती है। उधर से डालो आप, इधर आइए सर। हाँ, ये पूरा क्या प्रोसेस बताया आपने, एनारोबिक प्रोसेस? एनारोबिक प्रोसेस बताया। इधर से डालो बायो फर्टिलाइजर, आप देख रहे इधर लीकेज हुआ है ना, देखो एक मिनट, ये है टंकी, इसमें से डालो और इसमें से फिर ये नल लगा हुआ है पाइप से इसमें जाएगा। हाँ, ये जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये सफेद सफेद हो गया ना जी, ये लीकेज हो गया है जी, तो यहाँ से ये बायो फर्टिलाइजर निकल रहा है जी। तो इसके ऊपर देखिए, ये सफेद सफेद है ना, ये बैक्टीरिया डेवलप्ड हो जी सर। तो ये एक प्रकार का ऐसा स्ट्रॉन्ग फर्मेंटेशन प्रोसेस है जी। इसमें से हम चावल का पानी, किचन वेस्ट, फ्रूट वेस्ट, गाय का गोबर, गौमूत्र, गुड़ की स्लरी, वो एक साथ डालते हैं इसमें सब प्रमाण से। उसका प्रमाण हमारा पेम्पलेट में है, वो पेम्पलेट में आपको भेज दूंगा, आप उसको चिपका देना जी सर। तो ये पूरा प्रमाण के साथ, और इसमें पहली बार 45 दिन लगते हैं बायो फर्टिलाइजर बनने में, 45 दिन। हाँ, उसके बाद रोज उधर से 200 लीटर डालो। हाँ, और इधर से 200 लीटर निकालो। आपको मैं निकाल कर भी दिखा देता हूँ जी। आप ये देख सकते हैं, इसमें कोई कचरू नहीं जी सर, कोई दुर्गंध नहीं जी। आप देखोगे विस्की जैसा टेस्ट है इसका जी सर, एकदम बिल्कुल फर्मेंटेशन। हाँ, एकदम ऐसा बायो फर्टिलाइजर है कि ये जो जीवामृत खेत के अंदर जाके एक महीने में जो काम करता है, वो 3-5 दिन में करके देता है सीधा। ये एक प्रकार का एंजाइम है, एंजाइम बैक्टीरियल का एंजाइम जी सर। तो ये जो अपन जैसे गोबर हम खुले में छोड़ते हैं जी, तो कई किसानों को पता होगा जो प्रैक्टिकल काम करते हैं उनको जी सर, कि वो जो गोबर के टुकड़े हैं जो सूर्य के हाजिरी में आ जाते हैं, हवा के साथ मिल जाते हैं, वो टुकड़े 5-5 साल तक खेत में घूमते रहते हैं, जैसे बकरी की लिंडी जी सर, वो कभी गलती ही नहीं 10 साल तक जी सर। उस वो मैं नहीं कहता, ये नजर के सामने, और जो प्रैक्टिकल करता है ना वो ये बात तुरंत समझ जाएगा जी सर। तो ये बैग के अंदर आप बकरी की लिंडी डालो जी, उधर से इधर से पानी ही निकलेगा, लिंडी गायब हो जाएगी, लिंडी उसका पानी हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इससे जो बायो फर्टिलाइजर तैयार होता है उसके अंदर इतने न्यूट्रिशन है। मेरा अभी भाभा एटोनॉमिक में रिसर्च भी चल रहा है इसके ऊपर, ये रिसर्च भी अगले महीने बाहर आ जाएगा, मैं लैब रिपोर्ट भी दूंगा आपको जी। और इतना अच्छा, लगभग इसके अंदर बैक्टीरिया 6,000 प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं इसको बाहर निकलने के बाद। तो ये खेत के अंदर एंजाइम का काम करता है,
और मैंने जो प्रोसेस बताई इस प्रकार से इसके अंदर जो मटेरियल डालते हैं उसको लिक्विड में परिवर्तित कर देता है। ये एक साल से हम इसका उपयोग कर रहे हैं यहाँ। इसके बड़ा बैग था हमारे पास, 7 साल से हम यूज कर रहे थे। एक साल से इसमें गोबर डालते हैं, बायोवेस्ट डालते हैं, जो भी डालते हैं, तो ये भर जाना चाहिए ना। बिल्कुल सर, ये पूरा भर जाना चाहिए गोबर से। इसका कैपेसिटी तो 3-4 हजार लीटर का है। जी सर, परंतु ये नहीं भरा क्योंकि गोबर का पानी हो जाता है, पानी बना देता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी प्रोसेस है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। सिर्फ 20,000 में जीएसटी के साथ 20-21,000 में मिल जाता है। जी सर, 5 साल की गारंटी है और मूवेबल भी है, कहीं पर भी मूव कर सकते हो। आपने किसी का खेत रेंट पे रखा है जी, तो उसमें भी हो जाएगा। और आप जीवामृत बनाने के लिए यदि पीपड़े खरीद रहे हो तो वो भी पैसा लगने वाला है, ये भी पैसा लगने वाला है। इसको सूर्य प्रकाश या छांव की जरूरत नहीं है, सूर्य प्रकाश में भी काम करेगा। और मतलब ये इतनी अच्छी चीज है मेरे जीवन में, मैं 7 साल के से इसका उपयोग कर रहा हूँ, परिणामदायक है। ये बागायत में, आम की बगीचे में, ये मूंगफली में, कपास में, गन्ने में, इसका जमीन में भी पिलाओ, इसके जो ऊपर से स्प्रे भी कर सकते हो, स्प्रे में भी ये दारू से भी बढ़िया एंजाइम दिख रहा है। आप जीभ लगाओगे तो मतलब ऐसा अल्कोहल जैसा टेस्ट आता है, इतना स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर है ये। आपने संपूर्ण जानकारी दे दी। बनाने का तरीका, मतलब जैसे वो सामने ड्रम दिख रहा है, तो सबसे पहले ये आपने लगाया किसान भाई, कितना फीट बाई कितने का है ये? ये 22 फीट बाई 5.5 फीट का, 22 फीट का लंबा है। हाँ। वो ड्रम है। हाँ। ड्रम के साथ वो पाइप लगा दिया, उसमें ड्रम में सबसे पहले क्या क्या डालेंगे, कितने दिन के लिए डालेंगे, फिर कैसे डालेंगे, वो क्या प्रोसेस रहेगा, वो थोड़ा सा बताइए। हाँ, उसमें जैसे पहली बार हम भरेंगे ना जी सर, तो 500 लीटर चावल का पानी, 500 लीटर चावल का पानी, मतलब 50 किलो चावल लेना है, एक बार पकाना है जी, उसके 500 लीटर पानी में मिला के वो अंदर डालना है जी सर, 200 लीटर गौमूत्र जी सर, 200 किलो गोबर जी, 100 किलो से 200 के बीच में जो आपके पास उपलब्ध है, वो ये गाय का ही होना चाहिए जी सर। उसके बाद 50-100 किलो जितना आपको किचन वेस्ट मिले, होटल का या हॉस्टल का, वो उसके बाद आपके रूटीन किचन का जो निकलता है वो इसमें डाल देना है। उसके बाद आपको इसमें कम से कम पहली बार 10 किलो गुड़ डालना है, 10 किलो गुड़ या गुड़ की रस्सी जी सर। उसके बाद जो फ्रूट वेस्ट मिलता है तो वो डालना है, और इसके अंदर आप सहजन के पत्ते भी डाल सकते हो बहुत न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए, एलोवेरा भी डाल सकते हो न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार से ऐसे फ्रूट और ये सारी चीज़ें डाल के पूरा पानी से भर देना है। ये कितनी मात्रा होनी चाहिए इन सब फ्रूट, ये सारा वेस्ट वेस्ट कार्य है, ये सब मिला के ये 3,000 लीटर भरना है 3,000 लीटर। अच्छा सर, फिर रोज उसके परसेंटाइज में रोज ये सब चीजें मिला के 200 लीटर डालनी है जी सर, और इधर से 200 लीटर निकालना है। तो पहले उस ड्रम में कितने दिन रखना पड़ेगा? नहीं, सीधा डालना है, सीधा ही डालना है, अंदर जाके प्रोसेस होगा। ये फर्मेंटेड प्रोसेस के लिए ही है। कितने दिन में प्रोसेस होगा इसमें? ये एक बार 45 दिन लगेगा, फर्स्ट टाइम 45 दिन, उसके बाद रोज डालो रोज निकालो। समझ गया सर। और ये 5,000 लीटर का है, लेकिन ऐसे 50,000 लीटर का भी आता है, वो तो साइज के हिसाब से डिपेंड करता है, ये हो सकता है। हाँ, बड़ा बना सकते हो। कहने के अंदर गैस निकलती है, वो गैस भी यूज कर सकते हो। हमारा तो अभी कोई बच्चे ने लात मारी थी डंडी तो टूट गया है। हाँ। तो नहीं है अभी गैस, लेकिन इसमें गैस भी भर जाती है। हाँ। तो आप दो लोगों की चाय पानी का खर्चा इससे गैस से निकाल सकते हो। और इससे एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि जैसे वैज्ञानिक कहते हैं ना, गोबर में मीथेन गैस है जी सर, तो ये मीथेन खुले में रहता है तो वायु के साथ भरता है, ओजोन को डिस्टर्ब करता जी सर। और इसके अंदर जो आप डालोगे तो मीथेन जो है गोबर से निकल के गैस के रूप में आपको मिल जाएगा, और उसको आप आग लगा के जला दोगे तो ओजोन तक नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। एक तो जो ये वो ग्लोबल वार्मिंग में एक बहुत बड़ा इसका बेनिफिट है। दूसरी बात ये है कि यदि आपके पास ये एक्स्ट्रा हो गया तो आप 10 रुपए लीटर बेच दो या उसको थोड़ा सा ब्रांडिंग करके पैकिंग करके। और यदि आपका होटल है तो होटल में ये लगा दो, होटल का भी जो वेस्ट है वो गंदगी करता है जी सर, तो उससे बायो फर्टिलाइजर तैयार हो जाएगा। तो इसको आप जो कस्टमर है आपको किचन गार्डनिंग के लिए तुलसी के गमले के लिए आप होटल में जो खाने आते हैं उसको आधा आधा लीटर दो, उससे आपकी क्रेडिट बढ़ेगी, एक मार्केटिंग बढ़ेगी, उससे विश्वास दोस्ती बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा। बिल्कुल सर, ठीक इसी प्रकार से आप जब आपके पास जमीन कम है जी और बड़ा प्लान लगा है तो इसको आप बेच सकते हो, और सर, किसान को एक ही एक वीक में रिजल्ट देगा ये जी सर। तो मेरे हिसाब से तो ये बिजनेसिक रूप से भी अच्छा है और किसान के लिए भी अच्छा है व्यवसायिक रूप से। और ये झंझट सबसे बड़ी देखो, छानना नहीं, कुछ नहीं करने का। आप एक सादा साड़ी का कपड़ा रख दो, चुनरी का कपड़ा, फटाक से बात फाइनल, और ना बदबू आएगी ना।
किसान भाइयों का ये सवाल रहता है कि एक लास्ट की धूप में रखने से खराब नहीं होगा, आप कितने साल से यूज कर रहे हैं? ये दो ढाई साल हो गए हैं और इसकी 5 साल की कंपनी गारंटी आती है। 5 साल में यदि कुछ खराब हुआ तो हम बदल के दे देंगे। आप बदल के, और कोई ऑर्डर करना चाहेंगे तो आप होम डिलीवरी तो आप आसपास से भी ले सकते हो, यदि आपको सुविधा लगती और हमारे यहाँ से लेना है तो हम होम डिलीवरी भी करवा देते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर कहाँ से आपके? ये सब नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जी सर, वो मिल जाएगा, वहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हो सकता है ये सामने देख सकते हो। दोस्तों पहले कहने का मतलब है कि सर ने जैसे बताया फर्स्ट टाइम आपको इसके अंदर 45 दिन तक रखना है, उसके बाद जितना आप निकालते हो उतना उसमें डालना है और फ्रेगमेंटेशन होता रहेगा और आपकी ये जो खेती बाड़ी है वो चलती रहेगी, ऐसा ही है सर? बिल्कुल। इन्हीं शब्दों के साथ सर इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने संपूर्ण जानकारी दी है खेती के ऊपर, डेयरी फार्मिंग के ऊपर, और कभी समय मिलेगा तो ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सर जय गौ माता सर।